क्योंकि जो भी व्यक्ति आपको लालच देता है सर, ध्यान रखना, उससे ज्यादा लालच उसके अंदर होता है आपसे पैसा कमाना या आपको किसी भी चीजों में फंसाना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च सिक्स। और आज बात करेंगे सर टाटा मोटर्स की और बात करेंगे सर यस बैंक की। सर देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी कुछ व्यक्ति आपको ऐसी सलाह देते हैं जो आपको लालच पैदा करती है, तो उससे हमें थोड़ा सा दूर होना चाहिए। सर मेरा मानना है कि जो भी आपको लालच दे उससे ज़्यादा दूर हो जाइए, क्योंकि लालच जो है बुरी बला होती है। कभी भी जिंदगी हो या शेयर मार्केट हो, वहाँ पर आपको लालच का सामना प्रत्येक दिन और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा करने को मिलेगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति आपको लालच देता है सर, ध्यान रखना, उससे ज़्यादा लालच उसके अंदर होता है आपसे पैसा कमाना या आपको किसी भी चीज़ों में फंसाना। तो ध्यान रखिए सर, अपने को सही करने के लिए सही रास्ते तो आपको खुद ब खुद चुनने पड़ेंगे। अब ये ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता क्यों सर, क्योंकि यही एक निर्माण जो है हमारे व्यक्तित्व का करती है और हमें काम के प्रति ज़्यादा ईमानदार करती है। क्योंकि हम बिना लालच के ही जब काम करेंगे तो वो हमें अच्छा प्रतिफल देगा। आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि लोग आपको बार बार कहेंगे कि भाई फुल टाइम शेयर मार्केट कर ले, या ऐसी भी सलाह आपको लोग देते होंगे भाई ऐसे बनो, आपने मोटिवेशनल वीडियो देखी होगी, वो क्या कहते हैं सर, ऐसे बनो कि आप काम ना करो, आप लोगों को काम दो। सर मेरे बात ध्यान रखना सर, कि हम अगर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 कहीं काम करके नौकरी करके कमा रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम दूसरे को काम दें? पॉसिबल तो नहीं है कि आप काम छोड़ दो, शेयर मार्केट में आ जाओ, फिर शेयर मार्केट में आकर आप उससे ज़्यादा पैसा कमा लो जो आप काम कर रहे थे। बिल्कुल भी नहीं कमा सकते। या आप कोई काम कर रहे हो उसे छोड़कर आप अपना काम खोल लो और फिर लोगों को काम पर रखो, ऐसा भी नहीं होगा सर। उसके लिए होता क्या है सर, स्टेप बाय स्टेप होता सब कुछ है कि आप काम पर दे भी सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको काम नहीं छोड़ना है, लेकिन आपको काम करते करते ही अपने काम दूसरा है उसे विस्तार करना है, पहले उसको समझना है। जब तक के ज़मीनी लड़ाई हम खुद नहीं करते, तब तक के उस व्यवसाय को हम नहीं जान पाएंगे जिस व्यवसाय में हमें अपना फ्यूचर बनाना है। तो ध्यान रखिए, जो भी आपको बहकाता हो महकाता हो उससे थोड़ा दूर रहिए। अगर आपको ज़्यादा ही काम दो लोगों को देना है, तो फिर उस काम की समझ और उसमें ज़्यादा डेवलप होकर अपने काम के प्रति ईमानदार होकर फिर लोगों को काम देने वाले हम बनेंगे, और फुल टाइम शेयर मार्केट में काम करने वाले भी हम तब बनेंगे जब हम पहले काम से अच्छा पैसा कमाकर कुछ बचाकर शेयर मार्केट में हमें इन्वेस्ट करने के तरीके आए। ध्यान रखना इस बात का। टाटा मोटर्स की प्रतिक्रिया काफ़ी लोग इस वजह से देखते हैं, सर ये शेयर ना गिर रहा है, ये शेयर ऊपर जा रहा है, क्या ये शेयर हमें आगे भविष्य में पैसा देगा या हमें ये डुबा देगा? सर सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि टाटा मोटर्स काम क्या कर रहा है। टाटा मोटर्स उस क्षेत्र पर आगे सबसे तेज निकल रहा है जो आने वाले ज़माना पेट्रोल से दूर होकर बैटरियों से कार चलाने पर निकल पड़ा है, यानी कि ईवी के क्षेत्र पर। टाटा मोटर्स एक ऐसा काम करने के लिए तत्पर तैयार रहता है, जिस तरीके से इसने 50,000 यूनिट जो ईवी है ना, प्रमुख मील का पत्थर इसने साबित करके दिखा दिया इतनी यूनिट बनाकर। सर ध्यान रखना मेरी बात, 80 नए शहरों में ये अपने काम का विस्तार कर रहा है ताकि वहाँ के लोगों को एक ईवी का अनुभव हो, उनको सेवाएं अच्छी मिले, और कुल मिलाकर 165 शहरों में ये अपने इस तरीके का काम करने के लिए तैयार हो रहा है। ये आपको जानना पड़ेगा सर। आपको हर चीज अपने माध्यम से नहीं सर, हर चीज आपको दूसरों की नॉलेज से नहीं सर, हर चीज आपको वो देखकर भापनी पड़ेगी। जो डाटा आते हैं, डाटा निकल कर आते हैं, वही ज्यादा आपको मजबूत करते हैं। वो करेंगे सर एक आपको न्यूज पर फोकस, कंपनी पे फोकस और कंपनी के काम धंधों पे फोकस, कि वो कंपनी करती क्या है, बोलती क्या है, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ईवी के क्षेत्र में ये वो पहले ही धूम मचा रहे हैं और आने वाले 5 साल में ये नए जो 10 मॉडल जो लॉन्च भी करने की तैयारी में लग गए हैं, यानी कि इनकी जो अभिलाषा है बड़ी तेजी के साथ ईवी के सेक्टर में चल गई है।
अब ये चीज़ें मैंने आपको ईवी सेक्टर की जो बताई है, 5 साल में जो इनकी प्रतिक्रिया है, 50,000 यूनिट जो इन्होंने मील का पत्थर साबित कर दिया, शेयर दर शेयर ये आप अपनी सेवाओं को बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है सर? ये स्टेप बाई स्टेप टाटा मोटर्स को मजबूत कर रहा है। ध्यान रखना, ईवी ही टाटा मोटर्स का खेल पलट देगी। अन्य काम भी ये कार अच्छी बनाता है, हर चीज़ करता है, लेकिन ईवी एक ऐसा माध्यम हो गया है जो चार्ज करते ही निकलने वाली चीज़ें जो है वो तो ईवी इलेक्ट्रॉनिक कार से निकल कर आएगी। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाटा मोटर्स पे मजबूत कर रही है। आप किसी की ना सुनिए, मेरी भी ना सुनिए, डाटा देखिए और किस तरीके से टाटा पे आपको विश्वास है उस क्षेत्र के अनुसार आपको उनके शेयरों पे अपनी नज़र रखनी चाहिए। खरीदना बेचना ये इस चैनल पर नहीं है, लेकिन काम करने के प्रतिक्रिया किस तरीके से हम ईमानदारी से काम कर सकते हैं, ये इस चैनल का माध्यम है। तो ईवी के क्षेत्र में धूम मचाने जा रहा है टाटा, और अगर आपको ये समझ में आया तो आपकी प्रतिक्रिया फिर 5 बढ़े 10 बढ़े 25 गिरे 20 ऊपर जाए, इससे अलग हो जाएगी। इसी से अलग करना है आपको कि आपका मूड गिरते हुए चेंज ना हो, आपका मूड बढ़ते हुए ज़्यादा खुश ना हो। तो ये अगर आपने अपने को मेंटेन कर लिया ना, यही आपको पैसा कमा कर देगा। और होल्ड करने की क्षमता आपके अंदर मेरे अंदर तब आएगी जब उसके अंदर से थोड़ा प्रॉफिट लेकर, थोड़े प्रॉफिट को हमें उसके अंदर ही छोड़कर लंबी रेस का घोड़ा तभी बना जाएगा। तो ईवी सेक्टर में आपको टाटा पे ज़्यादा विश्वास करके, इनकी प्रतिक्रिया पे विश्वास करके टाटा मोटर्स के शेयरों पर अपना नज़र रखनी लेनी चाहिए। सर बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक की बात करनी इसलिए भी जायज़ हो जाती है कि तेज़ी जो है हल्के हल्के से ही आपको देखने को यस बैंक पर मिल रही है। सर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यस बैंक जिस तरीके से नवंबर के एंड में जेसी फ्लावर को 48,000 करोड़ रुपए के जो अपने बैड लोन ट्रांसफ़र जो है ए आर सी को संपत्ति करना चाह रहा है, वही इसके अंदर थोड़ा सा अच्छा संकेत इसके अंदर जब ये काम होने वाला होगा उससे 2 से 3 दिन पहले ही आपको तेज़ी के संकेत यस बैंक दिखा सकता है, जो मेरी एनालाइज कहती है। सर धीरे धीरे ये 5, 10, 20, 30 पैसे बढ़ के दिखाए वो भी इसके अंदर हो सकता है। जब ये सारा का सारा काम इसके अंदर हो जाएगा तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जेसी फ्लावर के साथ यस बैंक भी ज्वाइंट वेंचर है कुछ हिस्से के साथ, वो भी इसके साथ काम करेगा बैड लोन के लिए। तो यहाँ पर समस्या क्या पैदा हो जाती है कि एकदम से कुछ भी चीज़ देकर उसका समाधान नहीं होगा, इसमें भी टाइम लगेगा सर, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। फिर आपको बैंक जिस तरीके से धीरे धीरे प्रॉफिट कर धीरे धीरे लोन ग्रोथ बढ़ाकर, धीरे धीरे अपने अच्छे काम को बढ़ाकर और हर क्षेत्र में ये अपने को ज़्यादा सुधार रहा है, उस पर नज़र रखकर ही फिर इसके कुछ शेयरों को होल्ड किया जाएगा। तो जैसी फ्लावर वाली जो भी न्यूज़ जल्दी से निकल कर आगे भाई कल होने वाला है, तो फिर आज से इसमें थोड़ी सी तेज़ी हो सकती है, ये प्रतिक्रिया होगी ज़रूर इसके अंदर, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें से लंबे समय के लिए रहना चाहते हैं तो बेशक रहिए, क्योंकि बैंक जो है आपको मैंने पहले भी बताया था कि रूस के साथ रुपए में व्यापार भी ये कर रहा है और यूके बैंक कर रहा है। अब ऐसा बैंक तो फिर ये नहीं होता कि भाई रुपए में इसे क्यों चुना है, तो कुछ ना कुछ ये चीज़ है मजबूत यस बैंक। लेकिन शेयर प्राइस से फिर हम इस बैंक को देख रहे हैं, वो कभी भी आप इसे जाँच नहीं सकते, क्योंकि शेयर प्राइस से कैसे जाँच लेंगे सर? आप पे अगर 20,000 शेयर होंगे तो आप बेचोगे उसे, अगर आपको प्रॉफिट आ गया, अगर मुझे खरीदना मैं खरीदूंगा, तो ये आपस में तो शेयर घूम रहे हैं इस तरह से। तो हमें तो इसके काम के प्रति देखकर, ना कि शेयर प्राइस के प्रति देखकर, इसके शेयरों में आगे जाकर अपनी प्रतिक्रिया अच्छी बनानी पड़ेगी। शेयर नहीं डूबाएगा आपको, डूबना होता कब का सर ये बैंक बंद हो जाता, सरकार भी इतनी चिंतित ना होती इसके लिए, SBI भी इतनी चिंतित ना होता, और हमारे प्रशांत कुमार जी भी इतने चिंतित इसे अच्छे से लॉस से ग्रोथ में ना लेकर आते, ये भी आपको समझकर पढ़ना पड़ेगा। लॉस कर रहा था फिर प्रॉफिट में धीरे धीरे तो आया सर, एकदम तो नहीं आया। तो अभी जो जैसी फ्लावर वाली जो न्यूज़ है वही इसके अंदर काम कर रही है, वो हल्के हल्के से इसके अंदर सुनहरे अवसर ला रही है। हो सकता है बीच में आपको थोड़ी सी गिरावट कल या परसों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हो रही है वो तो एंड में होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। यस बैंक एक पॉजिटिव और पॉजिटिव यस बैंक बना रहेगा, और जो आपको जल्दबाजी में पैसा कमाने के हुनर सिखा रहा है उससे थोड़ा दूर रहिए, लालच से थोड़ा दूर रहिए, और काम को देखिए कि टाटा मोटर्स कर क्या रहा है, उसके वजह से ही आपको इसके अंदर उजाले दिखेंगे। यस बैंक पर जैसे प्रशांत कुमार जी काम कर रहे हैं उसके द्वारा इस शेयर को आपको आंकना चाहिए। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए ज़रूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।